हाँ भाई, जय श्री जी। क्या चाल है बच्चों? तो अगला पार्ट रहेगा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का। डाइजेशन के दो पार्ट अपने दे दिए थे। डाइजेशन हो गया पूरा। 96 क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करवा दिए थे। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे ही दो पार्ट अब रेस्पिरेशन के रहेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 17 है, ठीक है। तो बायोलॉजी का 19/90 ये टॉपिक रहेगा अपना। बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी दोनों कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो जूलॉजी का अल्टरनेटली आपको ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ओके, तो बच्चों आज 26 नवंबर को आपको शाम को ये वीडियो जो है सीएलसी प्लेटफॉर्म पर, सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आपने सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्सक्राइब करें, और जो बेल का बटन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, तो हमारे द्वारा जो भी अपलोडेड जो चीजें होंगी वो जब भी इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएंगी तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कोई भी चीज आपकी फिर मिस नहीं हो सकती है। और नो डाउट इस लॉकडाउन के समय आपने जो हमें स्नेह दिया है, आपने सीएलसी को जो सर आंखों पर बैठाया है, वो नो डाउट ये कैंसर अल्टीमेट है, क्योंकि हमारे 18,000 व्यूवर से बढ़कर 52,000 व्यूवर हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज के लिए क्लैपिंग जरूर करें। मैं सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। मैं यतिंद्र उपाध्याय, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। तो ये दिन सर स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ। कौन से लेवल पर डिवाइड होता है? तो ये दिन सर इसको थोड़ा सा अपन मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली यहां बता दें, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बच्चों को बता दें एक बार। तो नितिन सर ये अपना ट्रेकिया पोर्शन हो गया। ये जब डिवाइड होगा, जिस लेवल पर डिवाइड होगा मतलब वो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस ना, बिल्कुल, जिनको प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहा जाता है या ब्रोंकस भी कहते हैं जी। तो जिस लेवल पर डिवाइड होगा वो लेवल, अगर मैं डोर्सल साइड की बात करूं तो वहां पर जो थोरेसिक वर्टिब्रा होंगी, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है जी, जी, जी। और इसके नीचे वाली ये वाली मतलब ये T5 ना, हाँ ये वाला रीजन T5 बन जाएगा। तो T5 लेवल पर जो है वो ट्रेकिया डिवाइड होती है प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकस में। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अच्छा क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में हाँ मिस मत कर जाना इसको। तो वो कौन सी थोरेसिक वर्टिब्रा कहलाती है? वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? थर्ड चला जाता है। क्लियर, नेक्स्ट बढ़े आगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 जी यतिंद्र सर। तो इसमें जो है पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है कंडक्टिंग पाथ की इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस जो रिंग है उनसे कवर्ड है। तो ये जो है ट्रेकिया, ब्रोंकस जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्रोंकियोल हो गए, ब्रोंकियोल में भी ये इनिशियल ब्रोंकियोल शुरुआती ब्रोंकियोल तक ही पाए जाते हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, जिससे पहले एल्वियोलर डक्ट होती है और एल्वियोलाई, इनके अंदर ही एब्सेंट होते हैं। बिल्कुल, इसमें ए बी सी डी और ई है ना, अपना फर्स्ट ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है जी। तो यतिन सर ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है इनके अगर फंक्शन की अपन बात करें, हाँ, तो ये जो है ब्रीदिंग के दौरान जो ये कंडक्टिंग पाथ है इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल, टोटली इनकम्प्लीट है इसकी इसकी इसका एक सिग्निफिकेंस भी है कि वेंट्रली ट्रेकिया है और उसके बाद में अगर देखें तो इसोफेगस है, जैसे आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ये नेक रीजन हो गई अपनी, है ना, आदमी उस तरफ मुंह करके खड़ा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, फेस उस तरफ है, तो ये डोर्सल साइड हो गई, ये वाला रीजन अपना ट्रेकिया हो जाएगा जी, क्यों जी, और ये वाला रीजन अपना गलेट हो जाएगा, इसोफेगस की ओपनिंग बन जाएगी जी। और इसके पीछे जो अपन कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम आ गया, क्यों, हाँ पीछे वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, और यहाँ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये इसोफेगस इन दोनों के बीच में है ना, हाँ इसोफेगस इन दोनों के वर्टिब्रल कॉलम और ट्रेकिया इन दोनों के बीच में, और जो मतलब इधर से घूम के उस तरफ वाला दिखाई नहीं दे रहा, वो उस साइड है और यहाँ पर ही एब्सेंट है। तो डोर्सली इनकम्प्लीट होगी सी शेप्ड कार्टिलेज, और वेंट्रली ये कंप्लीट कहलाती है जी। तो इसके अकॉर्डिंग बेनिफिट ये हो गया कि ये सवाल बच्चों बनता है कि अगर सी शेप्ड कार्टिलेजिनेस कंप्लीट होती, डोर्सल साइड से भी कंप्लीट पाई जाती, तो फिर क्या होता? तो फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इस इसोफेगस में नहीं हो पाता, ठीक है, वॉलस का जो मूवमेंट है ना उसमें फिर रुकावट आती जी जी जी, है ना। तो ये तो सर यहाँ से एक सवाल और भी बन जाता है कि ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है ये किस प्रकार की कार्टिलेज है? हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। तो ये अपने शुरुआत में भी डिस्कस किया था कनेक्शन हिस्टोलॉजी के दौरान जी जी,
इनके अंदर फाइबर नहीं है, जो कुछ ट्रांसपेरेंट भी नजर आती है ना, हाईलाइन कार्टिलेज, बिल्कुल। तो ये जरूर आप याद रखना, ये सी शेप कार्टिलेज कैसी है, हाईलाइन हाईलाइन कार्टिलेज ये कहला रही है, ठीक है। तो ये कुछ एक इंफॉर्मेटिव पार्ट था, तो यतेंद्र सर ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। इसमें यतेंद्र सर एक चीज और इंक्लूड कर देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चा इसको लेकर और एक कंडक्टिंग पाथवे को लेकर कंफ्यूज होता है कि कंडक्टिंग पाथवे कौन कौन सा बन गया, ठीक है। तो नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ये पाथवे क्या कहलाता है, कंडक्टिंग पाथवे, और इसके बाद डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एल्वियोलाई ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी पाथ ना, हाँ एक्सचेंज जोन इसको कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में गैसेज का जो एक्सचेंज होगा वो यहाँ से होगा ब्लड के साथ में, क्योंकि वो वैस्कुलर होता है ना, ब्लड सप्लाई होती है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट और कंडक्टिंग पाथ दो अलग अलग दो पाथवे बन जाते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक क्या कहलाता है, कंडक्टिंग पाथवे कहलाता है, याद रखना। और ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक ये किसके रेस्पेक्ट में आएगा, सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, क्यों बढ़िया रहेगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्पंज की अगर बात करें तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो इनमें टिश्यू ग्रेड तो है नहीं, सेलुलर ग्रेड है और वाटर में है, तो सेल मेम्ब्रेन से सीधा डिफ्यूजन हो जाएगा पूरी बॉडी के सरफेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनसीईआरटी की लाइन की अगर बात कर लें तो स्पंजीज हो गया, स्लिंट्रेटा हो गया, और फ्लैटवॉर्म्स प्लेटी हेलमेट्स जो होते हैं एंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस दर्शाते हैं। टीनोफोर भी इसी में आ गया ना, बिल्कुल टीनोफोर माइनर फाइला जो है वो भी इसी के अंदर ही आ जाता है। तो थर्ड हो जाएगा, फ्लैटवॉर्म की अगर बात करें भी थर्ड ही हो जाएगा, एंटायर बॉडी सरफेस चला जाएगा, और ये भी फ्लैटवॉर्म में वो जो फ्री लिविंग है ना, हाँ फ्री लिविंग फॉर्म, हाँ तो एंडोपैरासाइट उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उनमें एनएरोबिक, बिल्कुल पैरासिटिक अगर फॉर्म कह दें तो प्लेटी हेलमिंट्स की पैरासिटिक फॉर्म, एसके एलिमेंट्स में पता ही है ज्यादातर पैरासाइट एंडोपैरासाइट हैं, और इनमें क्या पाया जाता है, उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, ऑक्सीजन की यूज नीड वहां पर नहीं होती। अर्थवॉर्म की अगर बात करें अच्छा अलग से भी बनता है कि विच एनिमल लैक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अर्थवॉर्म में न तो गिल्स होते हैं और नहीं लंग्स होता है, बिल्कुल ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहा है फ्रॉग की तरह ना, बिल्कुल। इसकी जो आउटर एपिडर्मिस है वो थिन होती है, ग्लैंडुलर होती है, वैस्कुलर होती है, वैस्कुलर होती है, डॉर्सल ब्लड वेसल उसके नीचे ही होती है, बिल्कुल। तो सीधा जो डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर से। अर्थवॉर्म की अगर बात कर लें तो बॉडी पर मोस्ट क्यूटिकल की प्रेजेंस देखी जाएगी, और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करें तो इनमें गिल्स हो जाएंगे, जैसे प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया ना, क्रस्टेशियन, बिल्कुल। ये अपने इनको शुरुआत में बताया था, गिल्स, बुक गिल्स, लंग्स, ट्रेकिया ना। तो स्पाइडर स्कॉर्पियन की बात करें वहां पर बुक लंग्स की प्रेजेंस देखी जाती है, और ऐसे ही किंग क्रैब की अगर बात करें लिमुलस, बुक गिल्स की प्रेजेंस देखी जाती है। तो ये एनसीईआरटी ने शुरुआत में भी लिखा है कि जो एनिमल किंगडम है इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस पर डिपेंड करती है, तो हैबिटेट हो गया कि किस हैबिटेट में किस आवास में ये रहे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बिल्कुल। तो अगर हैबिटेट एक्वेटिक है तो वहाँ पर गिल्स या बॉडी की जो सरफेस है वो हेल्प करती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर टेरिस्ट्रियल है तो वो वहाँ पर लंग्स वर्क करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और गिल्स के द्वारा होने वाला जो रेस्पिरेशन है ये ब्रिंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है, और लंग्स के द्वारा होता है इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है, और स्किन के द्वारा अगर होगा तो इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये तीनों चीजें भी याद रखें। यतेंद्र सर ने जो फोकस किया था एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 17 का जो सेकंड पैरा है उसमें पहली लाइन यही दी हुई है कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं वेरियस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वेरियस ग्रुप ऑफ एनिमल में डिफर टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये डिपेंड करते हैं उनकी हैबिटेट के ऊपर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। क्यों जी? तो 3341 आपकी तरफ वाला ऑप्शन नंबर 4 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन द टिश्यू फैक्टर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हटना है, बिल्कुल, और हटना तो वो सेल की तरफ जा रहा है, बिल्कुल। तो सेल मतलब टिश्यू है ना, टिश्यू साइड की बात हो रही है, तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आ जाएगा, क्यों यतेंद्र सर? जी जी। और यहाँ अगर बात करें तो ये कर्व कैसा कहलाता है, सिग्मोइड कहलाता है, इस टाइप का कर्व कहलाता है, ठीक है। इसमें बच्चों दो चीजें याद रख लेना, अगर शिफ्टिंग होती है इधर तो इसको तो कहा जाता है राइट शिफ्ट, राइट, और शिफ्टिंग होती है इधर तो इसको कहा जाता है लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट अगर होगा ये ग्राफ तो ये किस प्रकार का अपने को नजर आएगा, सम वॉट इस टाइप का जी, ठीक है। और अगर लेफ्ट शिफ्ट होता है तो ये सर कैसा हो जाएगा, ये इस टाइप का ग्राफ ये बन जाता है, ठीक है। तो P50 वैल्यू चेंज हो जाएगी, आगे चलकर बताएंगे इस बारे में आपको। तो क्या कह रहा है, इन द टिश्यू फैक्टर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूटेगी, तो ये परसेंटेज सैचुरेशन दिखा रहा था जी, यहाँ पर परसेंटेज सैचुरेशन ये लेवल आ रहा है और टूट रही है तो परसेंटेज सैचुरेशन इसका नो डाउट घट जाएगा,
और ऐसा घटना किधर होता है? टिश्यू पर। टिश्यू मतलब राइट शिफ्ट। तो यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेना, राइट शिफ्ट का मतलब तो टिश्यू, टिश्यू, और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब जितेंद्र सर मतलब लंग्स लेवल, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई लेवल की बात, मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, वो डिमांड टिश्यू के पास बढ़ती है, टिश्यू के पास, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक बात है, वहां पर PCO2 ज्यादा है, PCO2 ज्यादा है, मेटाबॉलिज्म की वजह से CO2 जनरेट हो रही है, ठीक है, PO2 डाउन चला जाता है, इसीलिए वो अलग हो रही है हीमोग्लोबिन से, और pH भी कम हो जाता है, pH कम हो जाता है, H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ फैक्टर है जो टिश्यू के पास में ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और लंग्स के पास इसके उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल, जहां पर ऑक्सीजनेशन हो रहा है, बिल्कुल, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा, जी, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, वहां पर pH ज्यादा हो जाएगी, यहां पर जितने से एक और चीज है, बच्चा एक अपने माइंड में जनरली एक कंसेप्ट बना लेता है कि ज्यादा पीएच का मतलब जो है एसिडिक होता है, कम पीएच का मतलब बेसिक होता है, वो तो बेसिक पीएच का फंडा है, यहां सिली मिस्टेक बच्चा कर जाता है, ज्यादा पीएच का मतलब 7 से ऊपर और 7 से ऊपर बेसिक, और कम पीएच का मतलब जो है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक पीएच हो जाएगा, 7 से नीचे, मतलब हाई पीएच पे H+ कंसंट्रेशन कम होती है और OH- की जो है वो बढ़ती जाती है, वो बढ़ती चली जाती है, और लो पीएच पे H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और OH- की कम होती है, तो अल्टीमेटली न्यूट्रल पर दोनों की इक्वल होती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो पीएच का बढ़ना मतलब H+ का घटना, घटना, और पीएच का घटना मतलब H+ का बढ़ना, बिल्कुल अच्छा परफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ से निकला अपना। तो अपने को ये टिश्यू साइड पर बताना है, टिश्यू साइड पर बात करें तो पार्शियल प्रेशर O2 का कम है, सही है, लो PO2 और हाई PO2 गलत बात है, लो PCO2 गलत बात है, हाई PCO2 सही बात है, लोअर टेम्परेचर मतलब ठंडा, और ठंडा एल्वियोलाई रीजन पर होगा तो ये गलत हो गया, हाई टेम्परेचर करेक्ट है, लो पीएच मतलब एसिडिक, एसिडिक तो सही हो गया, और वापस में सर आप वो भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, लो पीएच हाई H+ ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रैकेट में H+ कैसा हो जाएगा, ज्यादा हाई हो जाएगा, एग्जैक्टली, तो ए डी एफ और जी, ए डी एफ जी पहला ही ऑप्शन चला गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका चला जाएगा, ये थोड़ा सा कंसेप्ट चलता है, इसको जरूर याद रख लेना, राइट शिफ्ट का मतलब टिश्यू साइड, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब एल्वियोलाई साइड, और जैसा टिश्यू साइड पर जो जो फैक्टर बताया उसका जस्ट अपोजिट कहां पर हो जाएगा, एल्वियोलाई रीजन पर, चले आगे, जी सर, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, और इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड का जुड़ना है, बिल्कुल, और एक कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ती है, और उसमें भी जो हीम और ग्लोबिन वाला जो पार्ट है प्रोटीनियस पार्ट, ठीक है, एमिनो ग्रुप से जुड़ती है, एमिनो ग्रुप से जुड़ती है, ये CO2 ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपको बताया, इसको बच्चों अगर एक बार याद नहीं कर ले फिर भी एक बार इनको टेस्ट से रिवाइज जरूर करना पड़ता है, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है, Exactly. कौन सा CO2 वाला और कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक बात है, और यतेंद्र सर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड अलोंग विद हीमोग्लोबिन है अगर ये बाइंडिंग होती है तो ये स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है, बिल्कुल हां, काफी टाइटली इसके साथ जुड़ जाता है, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा यतेंद्र सर क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और ये कैसा है बच्चों, ये स्टेबल प्रोडक्ट है, है, और स्टेबल प्रोडक्ट है, इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या, नो, इरिवर्सिबल होगी, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन ये कहलाती है, ये वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये मानकर चलें कि ये लीथलिटी की ओर प्रोसीड कर रहा है, जानलेवा भी हो सकता है, और इसकी वजह से परमानेंटली हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो जाते हैं, अनअवेलेबल हो जाते हैं, वही है ये कि बंद रूम में लैंप जला दिया जाए, हाँ, बंद रूप में, और ऐसा वो ग्रामीण परिवेश में जैसे सिगड़ी भी जला देते हैं, सिगड़ी जला देते हैं, तो रूम में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन कम क्यों हो जाएगी, उसका रीजन नो डाउट एक तो ये भी है कि अपन कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन मेजर रीजन उसका कहलाएगा वो जो सिगड़ी जल रही है, जी जी जी, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन को यूज कर रही है, वो ऑक्सीजन का कंजप्शन कर रही है, ठीक है, तो आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6, प्रेशर विद इन द लंग्स इज कॉल्ड, हाँ भाई दो चीजें हैं, एक है इंटर पल्मोनरी प्रेशर, एक है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जी, और इंटर पल्मोनरी प्रेशर तो एग्जैक्टली कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो लंग्स यतेंद्र सर पाए जा रहे हैं, ये लंग्स पाए जा रहे हैं थोरेसिक कैविटी में, और थोरेसिक कैविटी कैसा है, एयर टाइट चैम्बर कहलाता है, एनसीईआरटी ने एक लाइन भी लिखी है कि ये जो अरेंजमेंट है इन लंग्स का एयर टाइट चैम्बर में,
इसी की वजह से कोई भी चेंज अगर इस थोरेसिक कैविटी में आएगा वो डायरेक्टली इंपैक्ट होता है किसके ऊपर, इन लंग्स के ऊपर। क्लियर होगी मेरी बात? तो एनसीआरटी की लाइन को पकड़ जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी जो है वो घट जाएगा। अब अपने जी कह रहा है विद इन द लंग्स, यहाँ एल्वियोलाई के प्रेशर की अंदर की बात कर रहा है, अंदर तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल, हाँ तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट इसकी एल्वियोलाई बनी जाती है, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर चला जाएगा। क्यों? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जी, Which of the following factor affect the rate of diffusion? मतलब दो साइट हैं, जैसे मान लो एल्वियोलाई है और ये ब्लड वेसल्स हो गई, तो दोनों के अंदर ये जो एपिथेलियम है उस वो सिंपल स्क्वैमस होती है। एग्जैक्टली इसको अगर बोले तो यहाँ पर एंडोथेलियम होगी, ये ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज होगी, तो इसकी एंडोथेलियम और यहाँ पर जो न्यूमोसाइट जिनको अपन कह सकते हैं दोनों ही सिंपल स्क्वैमस होती है। तो पाथ लेंथ एल की वैल्यू काफी कम हो गई, तो डिफ्यूजन के दौरान जो है गैसेज को पाथ लेंथ एल जो है वो काफी कम कवर करनी पड़ती है। ये एक एडेप्टेशन है कि ज्यादा ही ज्यादा गैसें जो है वो डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। एक तो पाथ लेंथ या थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस होगी, बिल्कुल ना, कि रेस्पिरेटरी सरफेस की थिकनेस का कम होना, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस बच्चों को पता है इसमें तीन लेयर होती है, बिल्कुल, इस एल्वियोलाई की एपिथेलियम, इसको एमएस एपिथेलियम जी, बिल्कुल, और बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच एंडोथेलियम, एंडोथेलियम, ठीक है। तीन लेयर से रेस्पिरेटरी सरफेस बनी है, बिल्कुल, जिसकी थिकनेस कम होती है तभी डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है, बिल्कुल। दूसरा फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, हाई पार्शियल प्रेशर टू देयर लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर बात कर लें तो PO2 यहां पर ज्यादा है और PO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन यहां से यहां आएगी। यहां पर PCO2 ज्यादा होता है 45 mmHg और यहां पर PCO2 कम होता है, तो यहां से CO2 कहां पहुंचेगी एल्वियोलाई, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है सुनील जी, वहां पर मॉइस्चर का होना भी जरूरी है ना, ठीक है, क्योंकि गैसेज का जो डिफ्यूजन होता है उससे पहले गैसेज को इस फ्लूइड में डिसॉल्व होना पड़ता है, बिल्कुल, और डिसॉल्व होने के बाद ही वो डिफ्यूज होती है, ठीक है। इसीलिए अपना जो कंडक्टिंग पाथ है वो इनकमिंग ड्राई एयर में मॉइस्चर ऐड करता है, मॉइस्चर ऐड करता है, और ये एनसीईआरटी ने भी बोला है वहां पर कि क्या क्या फंक्शन इस रेस्पिरेटरी पाथवे का कहलाएगा। तो बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल को एंट्रैप करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं कोई पैथोजन वगैरह है उसको भी ट्रैप कर लेता है, उनको भी ट्रैप कर लेता है। उसके अलावा ये मॉइस्चर भी प्रोवाइड करवाता है, ह्यूमिडिफाई करता है उस इनकमिंग एयर को, ताकि डिफ्यूजन फास्ट हो, ताकि डिफ्यूजन फास्ट हो, ठीक है। एक इनकमिंग एयर के टेम्परेचर को भी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करता है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो यतिन सर ने बताया कि इनकमिंग एयर के टेम्परेचर को इक्विवेलेंट टू बॉडी टेम्परेचर लेकर आता है, ये इनिशियली स्टार्ट हो जाता है नेजल चैम्बर से ही, जहां पर कॉर्निया पाए जाते हैं, और ये कॉर्निया जो है ये बोनी प्रोजेक्शन कहलाते हैं, टर्बाइनल बोन, टर्बाइनल बोन भी कहा जाता है, सुपीरियर मिडल और इंफीरियर कॉर्निया के नाम से भी इनको जाना जाता है, जी सर। तो एक तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो गैसेस के रेस्पेक्ट में बात की गई है, पर प्रेशर ग्रेडियंट या पार्शियल प्रेशर भी उसको अपन कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी होगा, और किसमें फ्लूइड के अंदर, और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्वड इन डिफ्यूजन, तो सारे ही इसके अंदर सारे ही हो जाएंगे, इसका मतलब ABCD ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात की है, गैस जितनी ज्यादा सोल्यूबल होगी वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, डिफ्यूज आउट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टिश्यू साइड से एल्वियोलाई साइड की अगर बात करूं तो CO2 ज्यादा सोल्यूबल थी, जबकि ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई से टिश्यू तक पहुंची थी वो कम सोल्यूबल थी। आई थिंक ये जो CO2 है वो 25 टाइम ज्यादा सोल्यूबल है ना, हाँ 25। ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखना है कि कौन सी कितनी ज्यादा, पहली बात तो CO2 ज्यादा सोल्यूबल है और कितना टाइम्स ज्यादा सोल्यूबल है, 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल होती है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली। और इसीलिए जो CO2 का प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा 7% और ऑक्सीजन 3% 3% इसी यही लॉजिक होगा, यही लॉजिक कहलाएगा। तो सोल्युबिलिटी जो ही ज्यादा होगी तो उस गैसेज को जो ही एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस यहां पर नजर आएगा वो तुरंत क्या हो जाएगी, डिफ्यूज आउट हो जाती है। तो आंसर अपना 4th आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पता करना है आपने को जी। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर, बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्वियोलाई पर तो ये हीमोग्लोबिन से बंध गई और वहां पर ये टूट जाती है जी, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन तो अलग हो जाती है HbO2, तो आप यहां पर अपन ऐसे कर देंगे HbO और ऑक्सीमोग्लोबिन का बनना और ऑक्सीमोग्लोबिन से अनऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएट होना रिवर्सिबल हो गया। तो ये जो बनना है ये तो एल्वियोलाई पर है और ये जो टूटना है ये टिश्यू साइड पर रिवर्सिबल हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट,
7O2 ये एग्जैक्टली 7O2 होना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं ये ऑक्सीजन ही होना चाहिए, ये 7 गलत लगा हुआ है यहाँ पर। ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग्स, बिल्कुल ठीक बात है। ऑक्सीजन एक्सटर्नल सरफेस, नहीं इंटरनल सरफेस, बिल्कुल। एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू, ये इस वजह से गड़बड़ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, रॉन्ग हो गया जी। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पार्शियली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, पार्शियली नहीं कंप्लीटली, ये कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल मेडुला के अंदर जो बिल्कुल। तो रेस्पिरेटरी जो रिदम सेंटर है इसमें डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये दो आ जाते हैं और ये पार्शियली नहीं ये कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिका एंड कैरोटिड, एंड कैरोटिड यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी तो हर्ट वाली हो गई, हर्ट वाली हो जाती है। कैरोटिड वो जो नेक रीजन से होते हुए हेड को ब्लड सप्लाई करती है, तो कैरोटिड आना चाहिए था। तो ये भी क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट। अपने से पूछ रहे हैं बी सी एंड डी, बी सी डी इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, क्यों ये दिन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 9, मसल अटैच टू डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन टू मेक डायफ्राम जो है उसकी जो फ्रेनिक मसल्स है इंस्पिरेशन के दौरान इनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्शन के दौरान डायफ्राम जो वो डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। और एक्सहेलेशन के दौरान ये फ्लैट से वापस और ये जो मसल होती है ये तीन सर बच्चों को बताना चाहिए तो इनका नाम क्या कहलाएगा, ये फ्रेनिक मसल कहलाएगा, इनको रेडियल मसल भी कह सकते हैं। तो इनका नाम हो जाएगा फ्रेनिक, और ये स्ट्रेटेड होती है और वॉलंटरी होती है, फ्रेनिक या फिर इसी को ही रेडियल। और स्टेटेड और वॉलेंट्री इसलिए बोला है क्योंकि अपन अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो डायफ्राम से जो है वो इसकी शेप चेंज करवा सकते हैं, बिल्कुल। और ऐसा डेफिकेशन के दौरान भी इसका इन्वॉल्वमेंट कहला, चाइल्ड बर्थ के दौरान और पार्चुरेशन के दौरान भी होता है, बिल्कुल। तो पार्चुरेशन के दौरान ये जो प्रेशर लगता है फीमेल की बॉडी के द्वारा जो लगाया जाता है एब्डोमिनल रीजन में, ये डायफ्राम के कारण ही होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जो वॉम्ब है वो डायलेट होती है, ऊपर की तरफ भी बढ़ती है, ठीक है। तो फिर जो एब्डोमिनल कंटेंट है उनको वो धकेलेगी और फिर वो डायफ्राम पे प्रेशर डालेंगे, तो उस दौरान जब प्रेगनेंसी पूरा कंप्लीट हो जाए तो डायफ्राम जो डोम शेप हो जाता है, डोम शेप का हो जाएगा जी, है ना। और इसीलिए उस दौरान वो डायफ्राम को कम यूज करती है फीमेल ब्रीदिंग के अंदर। और इसीलिए एक लाइन यहाँ पर बनती भी है कि प्रेगनेंसी कंडीशन के दौरान फीमेल में थोरेसिक ब्रीथिंग ज्यादा होती है बजाय किसके, एब्डोमिनल के। क्यों? क्योंकि जो डायफ्राम था वो डोम शेप का हो गया, यहाँ पर नीचे वॉम्ब जो है वो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो डायफ्राम इंटेस्टाइनल कंटेंट पीछे, हाँ इंटेस्टाइनल कंटेंट पीछे हो जाएगा, कच्ची डकारें आती हैं, कब्ज हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी एक रीजन बन जाएगा। इसीलिए चाइल्ड बर्थ के दौरान बोलते हैं कि पुश करो पुश करो, हाँ डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो बेबी को नीचे पुश करता है, एग्जैक्टली है ना। तो ऐसा एक आमिर खान की मूवी भी है उसमें भी बताया गया है, पुश करो पुश करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चले आगे जी। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 3, नेक्स्ट 10 रहेगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग इज, तो ज्यादा है वहां पे, हाँ हाँ। तो अपने को ये देखना पड़ेगा रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में जी। तो इसको अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बता दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये ब्लड कैपिलरी होगी ये केंद्र सर। अब कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर की अगर बात करूं 104, बिल्कुल। तो 104 mmHg है ना, हाँ mmHg वो यूनिट आपको लगानी ही है। और ब्लड की अगर बात कर लें तो ब्लड में कितना हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, 40। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो 95 जी mmHg हो जाएगा, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर बात करें तो ये 40 mmHg हो जाएगा। क्या कह रहा है ये कि इक्वल टू ब्लड, ब्लड के इक्वल तो ना तो डीऑक्सीजनेटेड में है और नहीं ऑक्सीजनेटेड में है, तो ये नहीं होगा, गलत हो गया। मोर देन दैट इन द ब्लड, ब्लड से ज्यादा होता है, चाहे डीऑक्सी की बात कर लो चाहे ऑक्सी की बात कर लो, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेस देन होगा नहीं, लेस देन मतलब नहीं है, और लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की अगर बात करें 40 होता है, इसीलिए 45 mmHg जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, वहां से CO2 कहां पहुंचती है, 40 mmHg की ओर पहुंचती है। और इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो बराबर हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में बराबर हो जाएगा 40-40, बिल्कुल बिल्कुल। तो चले नेक्स्ट जी, 11। द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर
कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये डिजीज के अंदर, एम्फाइसीमा के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, ठीक है, इसमें जो एल्वियुलर वॉल है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, वहां पर जो सेप्टा होते हैं एल्वियुलाई के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओके, जिससे उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, हाँ, और गैसेज और इलास्टिसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो एयर जब अंदर आती है तो ये फैलते हैं और फिर इलास्टिक रिकॉइलिंग की वजह से वो एयर वापस बाहर भी जाती है, बाहर भी जाती लेकिन इस दौरान एम्फाइसीमा में क्या होगा, एयर अंदर तो आ जाएगी लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो अंदर तो आ गई लेकिन बाहर नहीं जा पा रही, मतलब इलास्टिक रिकॉइलिंग कम हो गई, ठीक है ठीक है। और ये जो है ये क्रोनिक वर्ड यहाँ पर दिया है, इसका मतलब ये चिरकालिक कहलाता है, ये लंबे समय से ये अगर इंटेक किया जाता है, लंबे समय तक सिगरेट स्मोकिंग की जाती है तो डिसऑर्डर जो है वो क्या कहलाएगा, एम्फाइसीमा कहला जाएगा। यहाँ पर अस्थमा की बात की है तो इसको अपन किससे रिलेट करें, अस्थमा मल्टीफैक्टोरियल है, इसमें कई फैक्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, इसमें काफी सारे एलर्जन भी है, इवन ये जेनेटिकली भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो काफी सारे फैक्टर की वजह से ये, और एलर्जी के अंदर ये हाइपर सेंसिटिविटी का एक टाइप है, ठीक है। और इसके अंदर सुनील जी अगर ट्रेकिया को छोड़ दें तो ब्रोंकस ब्रोंकियोल इन पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल, वहां की जो स्मूथ मसल्स है हिस्टामिन की वजह से उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन आ जाता है, ठीक बात है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन जिससे इनकी लुमेन जो है कंडक्टिंग पाथ की वो नैरो हो जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। और एयर फ्लो का में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग बाहर से एयर एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पाती, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगता है, साथ ही वहां पर जो है मार्शल बेसोफिल के इफेक्ट से ये इफेक्ट हो ही रहा है, स्वेलिंग भी होती है वहां पर जिससे लुमेन पे और इफेक्ट पड़ता है, म्यूकस प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो आपने मोस्ट ऑफ द बच्चों ने वो मूवी देखी होगी दबंग वाली, उसमें वो इनहेलर काम में लेते हैं, पांडे जी की जो क्या होते हैं मदर होते हैं वो इनहेलर काम में लेते हैं, वो इनहेलर खो जाता है उनका, तब एक घरघराहट की आवाज आती है, तो ये जो घरघराहट की आवाज आती है, ये जो नोइजी आते हैं, नोइजी फील होता है इस दौरान, ब्रीथिंग के दौरान, ये अस्थमेटिक कंडीशन। उसमें इनहेलर में एंटी हिस्टामिन होते हैं ना, हाँ बिल्कुल, एंटी हिस्टामिन होते हैं, हिस्टामिन के इफेक्ट को कम कर देते, कम करने का काम करते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर, ब्रोंकियोडायलेटर, और अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं इनको ब्रोंकियोडायलेटर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो ये अस्थमा हो गया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, इसमें भाई पीएच कम हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि एसिडोसिस मतलब अगर आदमी सांस लेना ही बंद कर दे तो CO2 का लेवल ब्लड में बाइकार्ब या CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो वो एसिडोसिस है, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर तेजी से वो ना ऐसे सांस को बाहर छोड़े, मतलब तेजी से अगर सांस को ले तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो वहां पर एल्केलाइन नेचर जो बढ़ जाए, बिल्कुल, तो ब्लड में एसिडिक कंडीशन बढ़ना और ब्लड में बेसिक कंडीशन बढ़ना, उसके रेस्पेक्ट में ये काम में लिया गया। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, द विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन ऑफ मैमल्स इज लिंक्ड टू द पैरेटल प्लूरल मेम्ब्रेन बाय, इसके द्वारा, तो इनके बीच एक कैविटी पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है, प्लूरल कैविटी, और इसमें भरा हुआ फ्लूइड क्या कहलाता है, प्लूरल फ्लूइड कहलाता है। थोड़ा कलर चेंज कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ये बता दे, तो जैसे ये, जैसे सुनील जी ने बताया लंग्स के बिल्कुल अटैच जो है क्लोज, वो तो होगी विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा, और उसके बाद में उसके बाहर की तरफ ये हो गई ये पैरेटल, पैरेटल प्लूरा, ठीक है, है ना, और ये वाला लंग्स वाला पार्ट हो गया, इसको प्लूरल कैविटी, सॉरी पल्मोनरी कैविटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो विसरल प्लूरा बिल्कुल इसके साथ अटैच है, और पैरेटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में एक स्पेस है जिसको प्लूरल कैविटी कहा जाता है, प्लूरल कैविटी, और इसमें भरा हुआ जो फ्लूइड है, इसमें भरा हुआ जो फ्लूइड है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल स्टिकी होता है, दोनों मेम्ब्रेन को चिपका के रखता है, जिसे दो ग्लास स्लाइड भेगी भी, वो चिपकी चिपकी भी होती है, हट नहीं सकती, लेकिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग कर सकती है ना, तो मैं कहूँ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, लुब्रिकेशन कर सकता है ना, और इन ब्रीदिंग के दौरान में लंग्स और एक्सपेंशन एबिलिटी भी बढ़ाता है, लंग्स और हार्ट के बीच में फ्रिक्शन को भी रिड्यूस कर देगा। ओके, अब सुनील जी यहाँ पर इसी के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, और यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विसरल प्लूरा है वो जुड़ी हुई है लंग से, और बाहर की तरफ अगर देखें तो फ्लूइड से, और फ्लूइड फिर पैरेटल प्लूरा से, पैरेटल प्लूरा जो है वो रिब्स के साथ में टाइटली जुड़ी हुई, बिल्कुल, और इसी को ही मैं रिलेट करूँ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट के साथ, तो एनसीईआरटी ने कहा है कि पैरेटल जो प्लूरा है ये तो थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग के समीप होती है,
और विसरल जो प्लूरा है ये लंग्स की लाइनिंग के समीप होती है। नीचे की तरफ वो डायफ्राम से जुड़ी, नीचे की ओर डायफ्राम। अब एक चीज देखिए सुनील जी, कि अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा ठीक है, तो रिप्स बाहर जाएंगी ठीक है, और रिप्स अगर बाहर जाएंगी तो उनके साथ जो पेरिटोनियल प्लूरा चिपकी हुई वो बाहर जाएगी, वो बाहर जाएगी तो इस फ्लूइड से वो विसरल प्लूरा से चिपकी हुई वो बाहर जाएगी, अगर वो बाहर जाएगी विसरल प्लूरा तो वो लंग्स से जुड़ी हुई तो लंग्स भी बाहर जाएगा। सही आपने शुरुआत में जो बोला था कि एनाटोमिकल पोजीशन ऐसी होती है थोरेसिस कैविटी में कि अगर थोरेसिस कैविटी के वॉल्यूम में बदलाव आता है तो वो लंग्स में भी आएगा, क्योंकि उसकी उसको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। बाकी लंग्स में एल्वियोलाई में इलास्टिक टिश्यू होते हैं तो इलास्टिक रिकॉइलिंग करते हैं, लंग्स तो कोलेप्स होना चाहता है, लंग्स तो कोलेप्स होना चाहता है लेकिन उसको कोलेप्स होने से रोकती कौन है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन ठीक बात है। और इसके अंदर एयर होती नहीं क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर। बाय चांस मान लो चाकू लग जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये पंक्चर हो जाएगा, अगर चाकू लग जाए तो होल हो जाएगा ठीक है। इसी से सुनील जी एयर अंदर आ जाती है और फिर इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट था वो हट जाएगा, हट जाएगा और ये पूरा बैलून की तरफ जो है श्रिंक हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा सवाल भी बनता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है उसमें कहीं भी डैमेज नहीं है इंडिविजुअल को, तो बताइए क्या मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्या रहा होगा, तो पंक्चरिंग ऑफ डायफ्राम हो सकता है, ये भी हो सकता है थोरेसिक कैविटी में एयर आ जाए, या फिर पंक्चरिंग ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन भी हो सकता है ठीक है। तो इसके आंसर कौन सा चला जाएगा, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो है वो यहाँ पर पाई जाती है और ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस बच्चों क्या कहलाती है, प्लूरल कैविटी, यहाँ भरा हुआ फ्लूइड क्या कहलाता है, प्लूरल फ्लूइड कहलाता है। कभी कभी प्लूरल फ्लूइड की जो अमाउंट है ये अचानक बढ़ जाती है, प्लूरिशी बोलते हैं ना, इन्फ्लेमेशन, बिल्कुल, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगा और ये डिसऑर्डर प्लूरिशी के नाम से जाना जाता है। ओके चले आगे जी, 13 व्हेन द ब्लड कंटेन ए हाई परसेंटेज ऑफ CO2 एंड ए वेरी लो परसेंटेज ऑफ O2 द ब्रीथिंग स्टॉप्स, बिल्कुल ठीक बात है जी, एंड पर्सन बिकम अनकॉन्शियस, बेहोशी सी आ जाती है, दिस कंडीशन इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, इसको एस्फिक्सिया के नाम से जाना जाता है। जैसे ये दो का कॉम्बिनेशन हो गया, हाइपोक्सिया का भी ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया ठीक है, और हाइपरकैपनिया, कैपनिया, CO2 का बढ़ गया, बढ़ गया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, लिख लीजिए इसमें ये दोनों वर्ड भी याद रखें, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया और हाइपरकैपनिया। तो हाइपोक्सिया का मतलब तो है O2 कम है और ये मतलब है CO2 का बढ़ जाए ठीक है। तो ये कंडीशन बच्चों क्या कहला जाती है, एस्फिक्सिया कंडीशन कहला जाती है। यूपनोइया का मतलब तो हो गया नॉर्मल ब्रीथिंग कहला गया, साइनोसिस का मतलब हो गया ब्लूइश कलरेशन, म्यूकोसा स्किन ब्लू हो जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जो जुड़ना वो कम हो जाता है और टॉक्सिन की वजह से CO2 का लेवल भी यहाँ पर एम्फाइसिमा भी बच्चों को आपने बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 14 जी सर, Which energy is consumed during breathing? Breathing में भी inhalation और exhalation होता है और inhalation जो है जिसमें बाहर से air अंदर आती है वो muscular contraction की वजह से हो पाता है क्योंकि thoracic cavity जो है इसके volume को dorsal ventral और anterior posterior बढ़ाना होता है। Dorsal ventral external intercostal muscle में contraction हो रहा है और anterior posterior axis में volume बढ़ाने के लिए diaphragm में contraction हो रहा है। और बच्चे जानते हैं कि muscular contraction active process है और ATP का consumption होता है। तो इसमें chemical energy जो है वो work कर रही है। बिल्कुल, तो answer अपना first चला जाएगा। जी। Next question 15 रहेगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट ऑन डिक्रीज ऑफ, किसके डिक्रीज होने पर, अब पहले ही बता दिया था राइट शिफ्ट का मतलब टिश्यू साइड, अब टिश्यू साइड पर क्या कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है नहीं, एल्वियोलाई पर होता है ऐसा, तो CO2 कम होती है नहीं, ज्यादा होती है, यहाँ पर पीएच कम हो जाती है, पीएच कम हो जाती है, एसिडिक कंडीशन आ जाएगी, तो आंसर पीएच कम हो जाती है मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब एच प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, बिल्कुल एसिडिक कंडीशन हो जाएगी, या मैं कहूँ H+ की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो जाती है जी, ये होगा नहीं क्योंकि अगर ये कम हो गया तो ग्राफ इस तरफ आएगा, बिल्कुल तो ऐसे एसिडिटी, अब ये सवाल में कह रहा है कि ऑन डिक्रीज ऑफ, एसिडिटी डिक्रीज हो जाने के कारण ऐसा होगा, तो एसिडिटी बढ़ जाने का मतलब तो हो गया पीएच का घट जाना और एसिडिटी डिक्रीज होने का मतलब हो गया पीएच का बढ़ जाना, तो बेसिसिटी की ओर मूव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको एसिडिटी वाले को बहुत अच्छे से देख लेना ठीक है। नेक्स्ट 16 रहेगा अपना, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद एप्रोप्रिएट कोड गिवन बिलो ठीक है, तो एट द टिश्यू साइट वेयर, तो हाई है तो इसका मतलब CO2 की बात हो रही है, हाई है मतलब O2 तो नहीं आएगा, जी CO2 आएगा,
ड्यू टू ऐसा किसके कारण होता है? नो डाउट पता है वहां पर कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं, कैटाबोलिज्म, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है। और उसके बाद देखें क्या CO2 आएगा, क्या CO2 diffuses into blood, जी बिल्कुल, टिश्यू से CO2 आएगा एंड फॉर्म्स क्या बना देता है, बाइकार्बन SCO3 माइनस ये बना देता है, प्लस H प्लस B बनता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें हाँ क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उसी को कैटाबोलिज्म को बोलते हैं, मेटाबोलिज्म के दो टाइप, ठीक है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, ठीक है। तो आंसर इसका अपना कौन से लगे आप फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जी सर। हाँ ये एनसीईआरटी बेस्ड अच्छा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें अलग अलग जो एरिया है वहां पर ऑक्सीजन और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो बच्चों को याद रखना है, बिल्कुल, जैसे यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस दोनों आ गई CO2, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 104 mmHg में हो गया और एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो 0.3 हो गई, ठीक है। फिर अच्छा एटमॉस्फेरिक एयर की बात करिए ना, सुने थे 159 एल्यूलाई में 104 और CO2 की अगर बात करें तो वो 40 mmHg हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड तो 40-45 सही है, ठीक है, ऑक्सीजन कम होती है CO2 ज्यादा होती है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करें तो ये 95 जो एल्यूलाई की ऑक्सीजन है वो इधर मूव करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जिसकी वजह से ये 40 बदल जाएगा इसमें 95 में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो वो 95 हो जाए, ठीक है। टिश्यू के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन यूज हो रही है तो कम है, वहां पर CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पर CO2 की अमाउंट 45 हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी 45 mm। तो ये सर ए बताना जरा कितना है, तो सुनील जी ए है 159, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, क्रॉस चेक कर लें, कितना है बी हो गया आपका 40, सी कितना है सी 95 और डी कितना है 45, करेक्ट ऑप्शन ये चला जाएगा, एनसीईआरटी की टेबल है। यहाँ पर एक चीज जरूर याद रख लेना, पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है एक मिक्सचर ऑफ गैसेज में किसी पर्टिकुलर गैस के प्रेशर की अगर बात करें तो वो क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। इस एयर में नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है ना, ठीक बात है। और कई बार बच्चों से अगर सवाल पूछा जाता है सर कि अपन ने इनहेल किया है, इंस्पायरेशन दर्शाया है, तो बताइए कौन सी एयर अंदर आई है, बच्चा तुरंत कहता है ऑक्सीजन आई है, मिक्सर आया है, हाँ, तो अपन बोलेंगे एयर अंदर आती है, एयर बाहर जाती है, मिक्सचर ऑफ गैसेज आती है, और उसी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस के प्रेशर की अगर बात कर लें तो वो प्रेशर क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 रहेगा, ईआरवी प्लस आरवी ये अपने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की अब बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मैं यतेंद्र सर प्राणवायु के नाम से बच्चों को बताता हूँ, प्राणवायु, और प्राणवायु का मतलब हो गया ये तब तक बनी रहती है जब तक है जान, जब तक है जान, बिल्कुल। तो जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक रेजिडुअल वॉल्यूम उस लंग्स को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा, और रेजिडुअल वॉल्यूम अलोंग विद ईआरवी एक्सपायरेटरी विद रिजर्व वॉल्यूम जिसको अपन फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं वो, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का ये निर्माण करते हैं। तो दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम अगर कंबाइंड होते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनाते हैं। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो किस प्रकार रिप्रेजेंट करूंगा, आप मेरे को फील कीजिएगा, यतेंद्र सर बताएंगे मैंने क्या किया, इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन जी, नॉर्मल एक्सहेलेशन, इसका मतलब मैंने टीवी एक्सहेलेशन छोड़ दिया जी, तो मेरे लंग्स में अब क्या बच गया, मतलब आपने नॉर्मल एक्सहेल किया है तो अब भी आप जो एक्सेल कर सकते हैं वो आपका जो है आप मतलब एडिशनल वॉल्यूम है, बिल्कुल, जिसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, अब भी आप 1000 से 1100 ml और कर सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन अगर आपने फोर्सफुल भी कर दिया और उसके बाद भी रह गया जो आप कभी भी नहीं कर सकते जब तक है जान, जब तक है वो आरवी है, आप चाहे उस लंग्स में कूद लो तब भी वो बाहर नहीं आएगा, और निकल गई जान तो निकल जाएगा। अपने एक बार इसको ग्राफिकली बता ही दे फिर पूरा एक बार, है ना, हाँ बिल्कुल, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर देखें हम लोग कि पहले टाइडल वॉल्यूम को अगर रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, ये पूरा हट सकता है सुनील जी, नहीं वो एम्प्टी स्लाइड अपन ने डाली हुई है, अच्छा अपने डाली हुई है। तो जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें तो वो टाइडल वॉल्यूम है, बिल्कुल टाइड की तरह से, ठीक है। तो अगर इसके अंदर हम लोग देखें कि जैसे इसमें ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना, जैसे इंस्पिरेशन, तो ऊपर की ओर आना मतलब अमाउंट अंदर आना, और नीचे आना मतलब अमाउंट बाहर जाना, जैसे इनहेलेशन 500 ml
छोड़ दिया फाइव। तो ये टीवी हो गया ना सुनिए, बिल्कुल ये टीवी कहला गया TV 500 ml। उसके बाद में जैसे इनहेलेशन किया नॉर्मल, उसके बाद फोर्सफुल और किया जैसे, उसके बाद में एक्सहेलेशन की बात करते हैं बिल्कुल, जैसे नॉर्मल इनहेलेशन बिल्कुल, छींकने के दौरान खांसने के दौरान जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकलती है वो क्या कहलाती है, वो ईआरवी कहलाती है। इसका मतलब है अपने नॉर्मल अगर निकाल दिया 500 ml, उसके बाद भी अगर फोर्सफुली बाहर जो वॉल्यूम निकलेगा वो वॉल्यूम क्या कहला जाएगा, उस वॉल्यूम को ईआरवी कहा जाता है। नॉर्मल निकाला बिल्कुल जितना कर सकते हैं, बिल्कुल जितना कर सकते हैं जी, वो आपका एडिशनल जो है वो होया अपना। और ये वाला जो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम क्या कहलाता है, ये ईआरवी कहलाता है। और एक बच गया वो वॉल्यूम जिसको अपन एडी चोटी का अगर जोर भी लगा ले तो भी नहीं निकल पाएगा, और जिसके लिए मैंने क्या कहा था ये प्राणवायु, और ये तब तक रहती है जब तक रहती है जान। और ये हो जाएगा 1100 से 1200 ml। तो यतेंद्र सर ये जो ईआरवी था ये ईआरवी तो कह रहा था 1000 से 1100 ml ठीक है, और ये कह रहा था कितना 1100 से 1200 ml। तो आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, केवल इन दो में कंफ्यूजन होगा। और इन दो में कंफ्यूजन होगा तो एक और कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि ये पास पास वैल्यू है ठीक है। तो एक चीज याद रख लेना, ज्यादा महत्वपूर्ण कौन ईआरवी या जान, यतिन सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, जान ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जान ज्यादा इंपॉर्टेंट तो थोड़ा सा ज्यादा तो जान को देना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा ज्यादा दिया इसका मतलब है ये 1100 से 1200 हो जाएगा। तो एकमात्र चीज है जो आपको कंफ्यूज है, कैपेसिटी भी लिख देते हैं ना यहाँ पर। हाँ अब कैपेसिटी भी इसके साथ ही बता देते हैं, जैसे पहले आईसी बता देते हैं ना, बिल्कुल आईसी तो टीवी प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी हो गया आर वी। अब वैल्यू पता है तो बच्चे टोटल कर लेंगे अपने, बिल्कुल इनका टोटलिंग आपको कर लेना है। फिर इसी बता देते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई इसी, टीवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी। एक आ जाती है एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, क्यों यतेंद्र सर, तो मैं यहां से लेकर यहां तक ले लूं इसको, ये फिर वो हो जाएगा वीसी, वीसी हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। अपन टोटल कितना अल्टर कर सकते हैं, तो यतेंद्र सर मैं टोटल अल्टर करके बताऊं बच्चों को थोड़ा सा। फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद मैक्सिमम इंस्पिरेशन, तो मैक्सिमम इंस्पिरेशन हो गया, उसके बाद नॉर्मल ले लिया मैंने और आईआरवी भी चला गया। इसका मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया था, फोर्सफुल बाहर छोड़ा था ईआरवी, तो अब सबसे पहले मैं क्या लूंगा अंदर, ईआरवी ही अंदर लूंगा, जिसकी डेफिशिएंसी है वो अंदर आएगी। उसके बाद नॉर्मलिटी भी अंदर आ गया, उसके बाद फोर्सफुल जितना लेना था वो ले लिया। तो ये ना तीन वॉल्यूम अगर मिलेंगे, मतलब आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ना फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद अपन मैक्सिमम कितना अंदर ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, या फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद अपन मैक्सिमम कितना बाहर कर सकते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा वो अपना वीसी कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है ठीक है। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है वो ये अपना ईसी, वो ईआरवी प्लस क्या बन जाता है आरवी, आरवी। तो ये नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम शेष बच जाता है वो कहलाता है। और यतिंद्र सर मैं यहां से लेकर अगर यहां तक की बात करूं तो क्या बता दी बच्चों को, ये क्या कहलाता है, टीएलसी, इसको टीएलसी कहा जाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, बिल्कुल बिल्कुल इसको टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। मतलब फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद लंग्स में जो टोटल एयर है, ठीक बात है, टीएलसी हो जाएगी, ठीक बात है। तो इसका आंसर अपना एफआरसी चला जाएगा। इससे रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट ही हम इसी से रिलेट करेंगे, वहां पर वो एडिशनल पूरा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल। तो ये सारा कांसेप्ट आपको जो है वो बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। रेस्पिरेटरी सेंटर की अगर बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगा, सेकंड अस्थमा की अगर बात करें यतेंद्र सर तो आपका ब्रोंकाई से रिलेटेड हो जाएगा,
न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन सी हो जाएगा, और एम्फाइसीमा की बात करें तो एल्वियोलाई हो जाएगा, सिंपल सा है मैचिंग वाला, बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड फर्स्ट 2143 ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा, इजी है जी। नेक्स्ट 20 करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय CO2, अफेक्टेड होता है रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, और CO2 से भी होता है और H+ कंसंट्रेशन से भी होता है, और अगर बाइकार्बोनेट की मैं बात करूं तो बाइकार्ब ही CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, ठीक बात है, तो एक ही बात होगी भी, तो ये अफेक्टेड होगा होगा फिर इसकी, तो ये वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। फिर इन ह्यूमन वाइटल कैपेसिटी VC की बात की जा रही है, इज जस्ट डबल द एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, इसी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये देख सर IRV लिख दूंगा, IRV प्लस TV लिख दूंगा, प्लस ERV लिख दूंगा, ERV है ना, और इसको अगर राउंड फिगर में मैं बात करूँ, जैसे इसका मान लिया मैंने 2500, क्यों इसको मान लिया मैंने 500 और इसको मान लिया मैंने 1000, कोई दिक्कत नहीं, तो 2500 और 1000 3500 और 4000, ठीक है, तो 4000 हो जाता है, जबकि और ये तो 1000 से 1100 ही है, ये 1000 से 1100 है, तो रॉन्ग हो गया, डबल कैसे हुआ, 4 गुना हो जाएगा भैया, आया ना, तो ये रॉन्ग हो गया। इन ह्यूमन लंग्स हैज 3 की पावर, सॉरी 10 की पावर 3 एल्वियोलाई, मतलब कह सकते हैं कि दोनों जो लंग्स उसमें मिलाकर के 300 मिलियन एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। एग्जैक्टली, तो ये आपको याद रखना है 300 मिलियन, तो और ये किसमें, दोनों में ना, दोनों में मिला के, बिल्कुल दोनों, मतलब 150 कह सकते हैं मिलियन, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वाला गड़बड़ हो गया। फिर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लंग्स एक्ट एज ए सक्शन पंप, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, जब भी इंस्पिरेशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा थोरसिस कैविटी का, तो उसका इंपैक्ट फिर पल्मोनरी कैविटी पे भी आएगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ गया तो अंदर प्रेशर कम हो गया, कम हो गया, और बाहर प्रेशर ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो एक सक्शन प्रेशर लगा, सक्शन प्रेशर इसमें बाहर से एयर अंदर की तरफ, ठीक बात है, और इसीलिए ह्यूमन की जो ब्रीथिंग है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, क्योंकि वॉल्यूम अगर एल्वियोलाई का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा भैया तो अंदर का प्रेशर जो है वो क्या हो गया, घट गया, इसका मतलब नेगेटिव प्रेशर हो गया, और ये नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये लंग्स जो है सक्शन पंप एक चूसक पंप की तरह एक्ट करते हैं। फ्रॉग में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है, बिल्कुल, और फ्रॉग में भी ये तो सर अगर ये पूछ लिया जाए कि बक्को फेरेंजियल कैविटी के द्वारा कौन सी होती है, तो बक्को फेरेंजियल कैविटी इसका मतलब एटमोस्फियर और बक्को फेरेंजियल कैविटी इसमें तो होती है नेगेटिव, और ये ऐसा किसके कारण होता है, एक स्टर्नोहायल मसल पाई जाती है इनके बकल कैविटी के फ्लोर पर, उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो एक पैलेट जैसी स्ट्रक्चर है जो नीचे की ओर आएगी, तो इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वैसे बता दे, इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ठीक है भैया, तो वो फ्रॉग वाला आपको थोड़ा सा और बता देते हैं हम, हंसना नहीं है भैया, ये फ्रॉग का डायग्राम है, ठीक है, क्यों नहीं सर बच्चों को पहले ही कह देते हैं फ्रॉग है भैया, इस प्रकार का टांग तो कोबरा रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर ये सर ये वाली अपनी क्या बन जाती है बकल कैविटी, क्यों, और यहाँ पर जो है ये एक हार्ड स्ट्रक्चर हो जाती है, इससे जुड़ी हुई दो मसल कहलाती हैं, एक मसल तो स्टर्नम से जुड़ती है और अनदर मसल पेट्रस बोन से जुड़ी होती है जो स्कल की कहलाती है, इसको स्टर्नोहायल मसल बोल दिया, इसको पेट्रोहायल मसल बोल दिया, ठीक है। फ्रॉग जब ब्रीथ करेगा तो उस दौरान माउथ इसका क्लोज रहेगा, तो ये जो नेजल पोर्स है जिसको नेट्स अपने कहा है, इनसे होते हुए एयर कहां पहुंचेगी, नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी से फिर एक डक्ट के द्वारा फिर कहां पहुंचती है, बकल कैविटी रीजन में, तो ये जो नेजल कैविटी से होता हुआ बकल कैविटी में एयर आई है, ये कब आई है कि इस स्टर्नोहायल मसल में तो हुआ कॉन्ट्रेक्शन, इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो ये हार्ड स्ट्रक्चर नीचे आई, नीचे आई तो बकल कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया, बकल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर प्रेशर है घट गया, और प्रेशर घट गया इसका मतलब नेगेटिव प्रेशर हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है तो बाहर से एयर कहां पर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। तो अगर स्पेसिफिकली ये कह दें कि फ्रॉग की बक्को फेरेंजियल कैविटी, इसको बक्को फेरेंजियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रॉग में बकल कैविटी और फेरिंग्स रीजन अलग अलग नहीं होते, एक कंबाइंड चैम्बर के रूप में ही होते हैं, तो बक्को फेरेंजियल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग कहलाती है। अब अगली बात सुने, यहां पर जो एयर आ चुकी है उसमें से कुछ एयर तो जो है वो डायरेक्टली कैपिलरीज के साथ में एक्सचेंज हो जाएगी, ये वैस्कुलर होता है, हाँ बिल्कुल ये वैस्कुलर होता है। अब स्टर्नोहायल मसल तो रिलैक्स कर जाएगी लेकिन पेट्रोहायल मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, पेट्रोहायल मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर की ओर उठेगी, ये ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पर वॉल्यूम घटेगा, घटेगा यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ यहाँ पर वॉल्यूम अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़े हुए प्रेशर की वजह से ये लंग्स में पहुंचेगी, इसका मतलब लंग्स ने खींचा नहीं है इसको, इसको तो धकेला गया है लंग्स में, इसलिए फ्रॉग में
अगर कुछ भी नहीं कहे ये पूछ ले ब्रीथिंग कैसी होती है तो पॉजिटिव होती है क्योंकि फ्रॉग में मैक्सिमम पल्मोनरी ब्रीथिंग कहलाती है, इसलिए लंग्स में यूज होता है, ये पॉजिटिव हो गई। और स्पेसिफिकली अगर ये पूछ ले कि बक्कोफेरिंजियल कैविटी के द्वारा कैसी है तो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब बिल्कुल उसी तरीके से फिर एयर पुश करता हुआ जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही पंपिंग कहलाती है, वैसे ही अपने लंग्स में हवा भरता है। सही सही कहा आपने, परफेक्ट है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द अर्ज टू इनहेल रिजल्ट फ्रॉम, मतलब आदमी इनहेल करने की इच्छा, सांस लेने की इच्छा क्यों होती है? तो अंदर नो डाउट ऑक्सीजन की कमी हुई होगी या CO2 का लेवल बढ़ा होगा। बिल्कुल, तो फॉलिंग PO2 नहीं तो CO2। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आगे चलकर आपको बताएंगे मतलब मेनली जो है ऑक्सीजन का घटा हुआ लेवल नहीं CO2 का बढ़ा हुआ लेवल वो फैक्टर है जो सबसे पहले अपने को स्टिमुलेट करता है ब्रीदिंग के लिए। बिल्कुल, तो ये जो सेंटर्स पाए जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सेंटर जिनकी अपन ने बात की है तो यहाँ पर केमोसेंसिटिव एरिया भी पाया जाता है, सेंटर भी है, पेरिफेरल भी है। हाँ, और ये जो केमोसेंसिटिव एरिया ये डिटेक्ट करता है ब्लड में H+ की कंसेंट्रेशन को, ज्यादा CO2 की कंसेंट्रेशन को। तो मेजर फैक्टर कौन सा चला जाएगा? राइजिंग PCO2, PCO2 का बढ़ जाना ये एक इच्छा उत्पन्न करता है किसकी? श्वास में। मतलब अगर ये ऐसे बंद करके खड़े हो जाए अपन सांस नहीं ले तो अचानक फिर सांस लेने की जो इच्छा नहीं, 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 नहीं ऐसा करना नहीं है। हाँ, करना नहीं है, हाइपोथेटिकल। क्यों? तो अचानक फिर जो अपन इनहेलेशन करते हैं तो उसमें यही है कि CO2 का जो बढ़ा हुआ लेवल है वो इसको प्रमोट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका ये जो एक्सप्लेनेशन है ना यतेंद्र सर, इसके बच्चे नो डाउट कायल हो चुके हैं कि आप किस प्रकार एक आपकी एक पोस्ट भी बनाई थी किसी बच्चे ने, वो कुछ ऐसा कैलकुलेशन कर रहे थे कि ये गाड़ी यहाँ से 20 मीटर दूर कूदेगी। ठीक है, वो किसी मूवी का सीन था और उसमें देखी नहीं है। अच्छा, वो देखा नहीं है। और उस मूवी के सीन को काट कर फिर कहा था कि यतेंद्र सर के द्वारा समझाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, हेरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स रिलेटेड टू। जी सर, तो जैसे सुनील जी कि अगर मैं चाहूं कि लगातार बैलून की तरह मेरे लंग्स में हवा भरूं ऐसे, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली ऐसा मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जब एयर अंदर जाएगी तो बैलून की तरह वो फूलेंगे, फूलेंगे तो ब्रोंकियोल वगैरह के अंदर स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है, और वहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे जो न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, ठीक है, और वैगस नर्व के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन फिर अपने रेस्पिरेटरी सेंटर के पास जाता है जो इनहेलेशन को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और एक्सहेलेशन हो जाता है जिससे जो एडिशनल एयर अंदर गई है वो बाहर आ जाती है, ठीक है ना? तो ये न्यूरॉन से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अपने अंदर। बिल्कुल, तो ब्रस्टिंग जो है उन ब्रस्टिंग से रोकता है, और ऐसा ही एल्वियोलाई की वॉल में भी स्ट्रेच रिसेप्टर देखे जाते हैं क्योंकि एल्वियोलाई भी एक लेवल से ज्यादा एक्सटेंड करेंगी तो फिर वो भी रप्चर हो सकती है। तो फिर ये एक न्यूरोनल जो है वो मैकेनिज्म हो गया, न्यूरोनल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कहेंगे किसमें? ब्रीथिंग के अंदर। तो अफेक्ट ऑफ नर्व चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा नितिन सर, हाइपोक्सिया की बात अभी आगे की थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाइपोक्सिया के रेस्पेक्ट में बात हो रही है जिसके अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल घट गया है, ठीक है, तो उसी रेस्पेक्ट में अपने को देखना है एनी चेंज इन रिलेटिव रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये तो ऐसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। हार्डनिंग एंड लॉस ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, तो इसके लिए वर्ड लिख देते हैं एथेरो स्क्लेरोसिस, हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज। इसमें ऐसा आर्टेरियो स्क्लेरोसिस कही है ना कि जो आर्टरी के इस इंटीरियर में जो हो रहा है और ल्यूमेन में जो हो रहा है शायद प्लाक जो बनता है उसके लिए अपन एथेरोटम यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आर्टेरियो स्क्लेरोसिस अपन इसको कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पर दो कंसेप्ट आ जाएंगे यतेंद्र सर, अगर ये एथेरो स्क्लेरोसिस भी आता है ना तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि कुछ कैल्शियम डिपोजिशन यहाँ पर भी देखा जाएगा। जी जी, और उस कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद में अगला सिम्टम यही आता है कि उसमें हार्डनिंग भी आ जाती है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस ये फिनोमेना चला जाएगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान दोनों आपको क्लियर। फिर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू, ये परफेक्ट हो जाएगा, इससे डायरेक्ट रिलेटेड भी है, सडन इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो फिर भी वो अलग सर्कुलेटरी सिस्टम वाला हो गया, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो परफेक्ट है वो अपना थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड चला जाता है, और इसको जो है वो सेरिब्रल प्लाक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्रेन रीजन में जो है वो अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गया, उसको सेरिब्रल प्लाक कह दें या उसी को ही सेरिब्रल आर्टरी प्लाक के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा,
द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो क्या बोलता है सर? आईआरबी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरबी प्लस टीवी प्लस ईआरबी प्लस ईआरबी, फिर तो ये हो गया वाइटल कैपेसिटी। और तीन वॉल्यूम का मतलब है वाइटल कैपेसिटी, चार वॉल्यूम का मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, दो वॉल्यूम का मतलब है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो सकता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो सकता है, और ईसी भी हो सकता है। तो इसका कौन सा चला जाएगा जितेंद्र सर? वीसी के बराबर होना चाहिए। हाँ, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? आरवी प्लस ईआरवी, ईआरवी क्यों जी? इसका मतलब ये तीनों ही आ रहे हैं वहां पर। हाँ, ये तीन आ, यहाँ पर तीन है और यहाँ पर चार हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इन्होंने बोल दिया, इसका मतलब है IRV प्लस TV, ये तो नहीं होगा। तो ये तो दोनों मिलकर टोटल लंग कैपेसिटी बना देंगे फिर तो जी, है ना? तो टोटल लंग कैपेसिटी माइनस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये दोनों घटा दो, अगर ये दोनों घटा देंगे टोटल में से तो क्या बचेगा? टीवी प्लस आईआरवी, जो हमने भैया आपको समझाया था ना पहले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको। तो टीवी प्लस आईआरवी, लेकिन अपने को तो कितने चाहिए? तीन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी और ईआरवी, इसका मतलब है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब तो हो गया आईआरवी प्लस टीवी प्लस क्या बोल दिया? ईआरवी, क्या सही है? क्या ये हो जाएगा? ये जो चीज है ये इक्विवेलेंट है किसके? इसके, तो आंसर भी अपना कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। क्यों जी? और यहाँ पर कहा है इसने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये तो चार वॉल्यूम बन गए फिर से, और ये दोनों मिलकर क्या कहला जाएगा? टीएलसी कहला जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। क्यों जी? चले आगे 25 जी सर। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन भाई, ये रिवर्सिबल नहीं, ये अपने पहले ही बता दिया, रिवर्सिबल ही जो स्टेबल कंपाउंड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट है 26। Which of the following is incorrect about the given graph? वही oxygen dissociation curve की बात हो रही है। This curve is called oxygen dissociation curve. क्या सही बात है? सही। बिल्कुल perfect है। The part A represent percentage saturation of hemoglobin with oxygen. ये भी सही। ये वाला part percentage saturation of hemoglobin सही है। The part B represent partial pressure of O2. O2, CO2 नहीं। अगर O2 होता तो सही हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ये गलत हो गया। आपने से क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर ये चला जाएगा। दिस कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2H+ कंसंट्रेशन। तो ये बात अपने पहले ही कर ली थी कि लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, राइट शिफ्ट में क्या होता है, PCO2, PO2H+ और एसिडिक और बेसिक कंडीशन किस किस प्रकार घटती बढ़ती रहती है, वो आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट रहेगा 27 जी सर। ये एनसीईआरटी का सिंपल सा डायग्राम है, उसी की लेबलिंग से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सुनील जी, जो ए है वो एपिग्लोटिस हो गया, ए को एपिग्लोटिस बोलते हैं जी, इसका मतलब ये हटा दूं मैं, ये प्लूरल मेम्ब्रेन हटा दूं जी जी, और ए को कट एंड ऑफ रिब्स, आंसर आ गया अपना। बोलो बधाई हो, बधाई हो, मैच कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। और बी प्लूरल मेम्ब्रेन है जिसमें विसल पैराइटल दोनों आ गए, ठीक है, बढ़ गया है, ठीक है। सी डायफ्राम आ गया, ये आ गया, और ई जो है वो ब्रोंकस हो गया, ई जो है वो ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकस दिया गया देखना, बिल्कुल ई जो है वो ब्रोंकस दिया है यहाँ पर, सही है। डी जो वो रिब्स का कटा हुआ कट एंड कहला गया, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 रहेगा। The graph given shows an oxygen dissociation curve for the hemoglobin. Where in the body will hemoglobin be saturated at the percentage shown at the point 1, 2, 3 on the graph? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसका मतलब जितेंद्र सर, अगर इस ग्राफ के रिलेटेड में बात करूँ, तो नंबर वन पॉइंट है यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ी कम है जी, मतलब सैचुरेशन कम है। नंबर टू पॉइंट है यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा है इसके कंपैरिजन, हाँ इसके कंपैरेटिवली। और थ्री पर अगर बात करूँ तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसका मतलब कि लंग्स से जो ब्लड मूव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड होने के बाद, यानी आपकी पल्मोनरी वेन में, उसमें सबसे ज्यादा होगा, तो पल्मोनरी वेन में सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद में लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट आ जाएगा जी, तो या लेफ्ट वेंट्रिकल भी कह सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कह देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल। और अगर फर्स्ट बात करें तो ये वेना केवा बन जाएगा, सबसे कम जो वेना केवा हो जाएगा, वेना केवा हो जाएगा बिल्कुल। तो आपको यही पहचानना है कि हीमोग्लोबिन से कितनी ऑक्सीजन, यहाँ पर इतनी ही ऑक्सीजन जुड़ी हुई है हीमोग्लोबिन से, और यहाँ अगर बात करूं तो इतनी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है हीमोग्लोबिन से, और यहाँ अगर बात करें तो इतनी ऑक्सीजन यहाँ पर, मतलब सबसे ज्यादा सैचुरेशन, बिल्कुल सबसे ज्यादा सैचुरेशन, मतलब सबसे ज्यादा बाइंडिंग ऑफ O2, और सबसे ज्यादा बाइंडिंग ऑफ O2 किस में देखी जाएगी? पल्मोनरी वेन में देखी जाएगी। इसका मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल, जितेंद्र सर आपने कौन सा लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल को? दो नंबर है क्या? जी जी, दो नंबर है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, क्यों जी? इसको रेड कर लेते हैं अपन। इसके बाद पल्मोनरी वेन के लिए क्या लिखा है आपने? पल्मोनरी वेन के लिए तीन लिखा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। या क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, वेना केवा बने, वेना केवा बने। अरे ठीक है, तो ये जी सर कांसेप्ट था 29 जी सर।
यहाँ पर ये जो बड़ा सा पैराग्राफ दिया खतरनाक सा तो इसमें CO2 के ट्रांसपोर्ट के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, जिसमें बाइकार्ब डिफ्यूज फ्रॉम एरिथ्रोसाइट टू प्लाज्मा एंड इन टर्न अपसेट। तो इसको सिंपली जो पूछा गया है सुनील जी, टिश्यू लेवल पर बात हो रही है। बिल्कुल, टिश्यू लेवल पर बात हो रही है। ये ब्लड कैपिलरी भी है, मैंने आरबीसी आपके सामने बताया। और ये मान लो हमारी सेल्स आ गई, ये सेल्स से CO2 मूव करके ब्लड प्लाज्मा में आई, ब्लड प्लाज्मा से CO2 मैक्सिमम 70% यहाँ पे आ गई आरबीसी में, और वहां पर वो वाटर के साथ रिएक्ट होगी और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उसको कार्बोनिक एसिड में चेंज कर देता है। बिल्कुल, तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूं बच्चों के लिए, CO2 + H2O। जितेंद्र सर, ये रिवर्सिबल कहलाएगी और ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहलाएगा। याद रखना, कार्बोनिक एनर्जी की स्मॉल अमाउंट प्लाज्मा में ब्लड में भी प्रेजेंट होती है और मैक्सिमम अमाउंट उसकी आरबीसी के अंदर पाई जाती है। और कार्बोनिक एनर्जी ये क्या बन गया, H2CO3। लेकिन H2CO3 अनस्टेबल होता है, ये रेडिली किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये तुरंत प्रभाव से टूट जाता है, किसमें, H+ SCO3- H+। और यहाँ पर भी CA जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इन्वॉल्वमेंट दोनों ही जगह। अब सुनील जी, जो ये बाइकार्ब यहाँ पे बना, ठीक है, वो मूव करके प्लाज्मा में आ जाता है, ठीक है, और आयनिक बैलेंस के लिए क्लोराइड जो है वो आरबीसी के अंदर चला जाता है, क्योंकि नेगेटिव बाहर आया और उसको बैलेंस करने के लिए वापस नेगेटिव चला गया, इसलिए क्लोराइड जो अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो टिश्यू लेवल पर आरबीसी जो है उससे बाहर बाइकार्ब प्लाज्मा में आएगा, ओके, और प्लाज्मा से क्लोराइड आरबीसी में जाएगा, जबकि एल्वियोलाई पर उल्टा हो जाएगा इसका, क्लोराइड जो बाहर आएगा और बाइकार्ब वापस अंदर चला जाएगा, इसको हैमबर्गर फिनोमेना बोला गया है टिश्यू लेवल पर। तो टिश्यू लेवल पर ये हैमबर्गर फिनोमेना कहलाता है, और इसे ही एल्वियोलाई साइड की अगर बात करें तो इसके लिए कौन सा वर्ड पर्टिकुलर काम में आएगा, बोर इफेक्ट तो अपन टिश्यू साइड पर ही देखते हैं, और एल्वियोलाई रीजन पर अगर बात करें तो इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी काम में वो जाते हैं। जैसे पीएच का इफेक्ट भी अपन कह सकते हैं, हेल्डेन इफेक्ट ना, बिल्कुल हेल्डेन इफेक्ट कह रहे हैं, इसमें ऑक्सीमोग्लोबिन की एसिडिक नेचर की वजह से, एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है CO2 जो है वो डिसोसिएट होती है, ठीक बात है ताकि उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्वियोलाई साइड पर ये जो सर ने अभी बताया है, ये जो इफेक्ट एल्वियोलाई साइड पर जो लगेगा, इसमें अपन क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन जो ब्लड में आएगी ये हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगी, और एसिड मतलब जो रेडिली H+ लूज आउट कर, और वो जो ऑक्सीमोग्लोबिन वो H+ लूज कर देता है, ठीक है, और जो 20-25% CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है उस हीमोग्लोबिन को H+ टारगेट करता है, ठीक है, जिससे उस हीमोग्लोबिन से वो CO2 हट जाती है, ठीक बात है, यही हेल्डेन इफेक्ट होता है, ये हेल्डेन इफेक्ट हो जाएगा। तो अपना हैमबर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट जिसको कह देंगे, पहला ऑप्शन चला जाएगा, यही पूछा ना आपने, हाँ यही जी, क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा बच्चों। एक वो रिएक्शन दे रखी है अभी अपन ने लिखी थी, तो यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज आना चाहिए, एक ही जगह क्या आना चाहिए, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड वाला ले लेते हैं, वाटर आ जाएगा, यहाँ पर H2O आ जाएगा, तो एक ही जगह H2O देखो देखें, ये नहीं होगा H+ H2O, NH3 नहीं होगा NH3, आंसर यही चला जाएगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं, B की जगह कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जी, C की जगह कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, D की जगह H+ है, तो सारी चीजें दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट 31, ब्लड रिटर्निंग टू हर्ट थ्रू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, 95 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, 40 mmHg होता है, ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन होगा, सिंपल सर्कुलेशन, सिंपल सर्कुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 32, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लॉस्ट फ्रॉम ब्लड इन, तो ऐसा कहां देखा जाता है, जहां पर डिमांड ज्यादा मतलब टिश्यू। तो बच्चा इसमें ये भी कर सकता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड की बात हो रही है, तो ये कौन सा चला जाएगा, टिश्यू साइड मतलब कैपिलरी, परफेक्ट फर्स्ट चला जाएगा, तो फर्स्ट आंसर इसका चला जाता है, आर्टरीज ऑफ द बॉडी, क्योंकि वहां से डिफ्यूजन नहीं होगा, वो कैपिलरी लेवल पे आके डिफ्यूज होगा, कैपिलरी लेवल पर डिफ्यूज होगी, तो ये गलत हो गया, कैपिलरी सराउंडिंग द एल्वियोलाई, तो यहां से तो जो है ऑक्सीजन जाएगी नहीं ना, एल्वियोलाई से, तो एल्वियोलाई से ब्लड में एंट्री करेगी लेफ्ट ओरिकल ऑफ द हार्ट से बात करें तो यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूजन की बात करनी नहीं है अपने को। नेक्स्ट 33, स्पायरोमीटर, सुनील जी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपने बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करने में काम का आता है, इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन से कैपेसिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, वॉल्यूम को, जी वॉल्यूम को, तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि ये जो है कैपेबल नहीं है रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर करने में, क्योंकि वो तो छोड़ेगा ही नहीं, जी जी, और जिस जिस में भी आर भी आ रहा है वो सब
कैपेसिटी भी नहीं मेजर की जाएगी, मेजर भी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आरवी भी नहीं होगा और एफआरसी भी नहीं होगा, एफआरसी भी नहीं, टीएलसी भी नहीं होगा, टीएलसी भी नहीं होगा। इन मतलब आरवी के अलावा जो बाकी दो मैंने कैपेसिटी बताई, इनमें आरवी आ रहा है, तो जिसमें भी जो भी आरवी है या जिसमें भी आरवी आ रहा है वो मेजर मेजर नहीं किया, नहीं किया, सिंपल सा याद रखना। क्या मैं इसमें एक छोटा सा सवाल पूछूं, क्या वीसी मेजर किया जाएगा? विशी मेजर किया जा सकता है वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि उसमें आरवी नहीं है, उसमें आरवी नहीं होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि स्पाइरोमीटर किसको जो है वो यूज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, है ना? तो ऐसा किसके लिए? आरवी के लिए हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट 34 हो जाएगा, इन एन एक्सीडेंट ए मैन डाइज इमीडिएटली बट देयर वाज नो इंजरी टू द किडनी, ब्रेन में भी कोई चोट नहीं है, स्टमक में भी कोई चोट नहीं है, हार्ट में भी कोई चोट नहीं है, प्रोबेबल कॉज इसका क्या रहा होगा? ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो एयर टाइट थोरेसिक एयर टाइट चैम्बर है, इसमें कहीं ना कहीं रशेज हो गया है, किसका? एयर का। एयर रश हो जाने के कारण ये जो एयर टाइट चैम्बर है ये एयर टाइट रहेगा नहीं, यहाँ पर एयर आ जाएगी तो लंग्स की क्या हो जाती है यहाँ पर? कोलैप्सिंग हो जाता है, बिल्कुल। तो लैरिंग्स गॉट पंचर्ड, नहीं। डाइजेशन स्टॉप, नहीं। डायफ्राम गॉट पंचर्ड, ये बात ठीक है। हार्ट फेलियर, नहीं, क्योंकि हार्ट के लिए नहीं रखा है ना यहाँ पर। नेक्स्ट 35 जी, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इन ह्यूमन एयर मूव फ्रॉम ब्रोंकस इनटू, है ना, तो ये मतलब इनसाइड टू आउटसाइड मूवमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे मैं प्राइमरी ब्रोंका ही बच्चों के लिए बना दी, सीधा अपने ये बता, और ये अपना ट्रेकिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ब्रोंकस है उस ब्रोंकस से अब एक्सहेलेशन की जगह इनहेलेशन दे देता तो अपन ब्रोंकस से क्या कह देते हैं? ब्रोंकियोल हो जाते, ब्रोंकियोल्स हो जाते हैं। एक्सहेलेशन बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ से जितने सर कहाँ चला जाएगा? क्या में ऑप्शन नंबर आपकी तरफ वाला चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट 36 रहेगा, मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, और ऐसा किसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन ये किया जाता है? बाइकार्बोनेट के रूप में, ये 70% हो जाएगा। जितने सर ने लिख दिया इसको, और ये भी सुनील जी सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ बिल्कुल, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, और ये प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट, डिसॉल्व स्टेट में हो जाएगा, ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोग्लोबिन के साथ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ये फॉर्म कहलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 जी सर, व्हाट हैपन इन हैमबर्गर शिफ्ट, और हैमबर्गर शिफ्ट अभी अभी बताया था, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना, ठीक है। इसमें टिश्यू लेवल पर क्लोराइड जो है वो प्लाज्मा से आरबीसी में जा रहा है और आरबीसी से बाइकार्ब प्लाज्मा में आ रहा है, हाँ। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था इसी को ही अगर मोर करेक्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जितने सर ने गलत कहा है, इसी को ही अगर मोर करेक्ट करें, इसका मतलब है पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, पहले क्या हुआ बाद में, हाँ, तो पहले तो बाइकार्बोनेट, हाँ, फिर क्लोराइड, फिर क्लोराइड आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, SCO3 आयन मूव्स आउट टू द प्लाज्मा, जी बिल्कुल, एंड क्लोराइड आयन एंटर इनटू द आरबीसी, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 38 हो जाएगा, जितेंद्र सर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रिमेन लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसका ले लूं, जितेंद्र सर ऑक्सीजन ले लूं, और सुनील जी ये इंस्पिरेशन के दौरान पूछ रहा है, बिल्कुल इंस्पिरेशन के दौरान पूछ रहा है, तो सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस होता है, इसीलिए नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग बोला था ना इसको, और दूसरा कहा है देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर, सक्शन पंप की तरह ये लंग्स एक्ट करेंगे, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सिचुएशन जो है वो इंस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 39 जी सर, न्यूमोटेक्सिक सेंटर ऑफ ब्रेन जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे इफेक्ट डालता है, ठीक है, और इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर सकता है, जैसे आदमी तेजी से सांस लेता है, ठीक है, इससे टीवी कम हो जाता है, इससे टीवी कम हो जाएगा, तो ये जो है वो पॉन्स के अंदर होता है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को मॉडरेट कर सकता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सेंटर, इसको एक न्यूमोटेक्सिक सेंटर के समीप एक हाइपोथेटिकल सेंटर जो है वो भी माना जाता है, ठीक है, इसका एक्चुअल फंक्शन जो है वो अननोन है। तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर यहाँ पर दो ही सेंटर आपको याद रखने हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वो तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, और न्यूमोटेक्सिक सेंटर बोन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर सवाल ये पूछ ले कि मेन रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है उसके ऊपर भी किसकी कंट्रोलिंग होती है, उसके ऊपर न्यूमोटेक्सिक सेंटर की कंट्रोलिंग कहलाती है। नेक्स्ट 40 हो जाएगा अपना, ऑलमोस्ट सेम PO2 इन ह्यूमन इज फाउंड इन, तो ये वही कंपैरिजन है, PO2 का बराबर होना ना, हाँ हाँ। तो एल्वियोलाई और टिश्यू में अगर बात करें तो एल्वियोलाई में ज्यादा होता है, 104 होता है, और टिश्यू में अगर बात कर लें तो टिश्यू में 40 हो जाएगा, टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ 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 बिल्कुल। तो ऐसा ऑप्शन है, किस चीज में डाउट आ सकता है, तो वो सारी चीजें ही पता होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो ज्यादा होता है, वन वो 95 होता है, और डीऑक्सीजनेटेड में 40 होता है। तो ये बात भी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा, 41। जी सर। Select a condition which causes shifting of oxyhemoglobin dissociation curve to left की बात हो रही है। Left की बात हो रही है, इसका मतलब pH का बढ़ना, PO2 का बढ़ना, PCO2 का कम होना, temperature का घटना, और 2-3 BPG chemical होता है उसका घटना। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें हाई PCO2 वैल्यू लेंगे नहीं अपन, हाई टेम्परेचर नहीं लेंगे, डिक्रीज PO2 वैल्यू नहीं लेंगे, तो लेसर H+ कंसंट्रेशन मिल जाएगी। और एक लाइन और NCERT में दे रखी है कि जो हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजनेशन है उसमें प्राइमरी फैक्टर कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, और भी कई होते हैं लेकिन प्राइमरी कौन सा है, तो वो PO2 का लेवल है, PO2 का लेवल कहलाएगा। तो अगर कंपैरिजन भी करना पड़ जाए ना चार ऑप्शन में से, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बन जाएगा बाइंडिंग के लिए, वो PO2 का लेवल, पार्शियल प्रेशर। Question number 42. Variation in which of the following component of the blood do not affect respiration? किसको affect, कौन सा factor affect करेगा? pH करेगा, temperature करेगा, PO2 करेगा, PCO2 करेगा, बिल्कुल H+ करेगा, SCO3- करेगा। लेकिन arterial SCO3 concentration करेगा, arterial H+ करेगा, arterial no ये नहीं करेगा, आपने चाहिए पूछा ना, ये तो सर नॉट अफेक्ट, जी जी हां बिल्कुल, सोडियम का कोई रोल नहीं, और CO2 कंसंट्रेशन बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये तो अभी अपने पहले ही आ गया था कि अर्ज टू इनहेल, और वो कब अराइज होती है, जब ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाए, जब ब्लड में SCO3- आयन का लेवल बढ़ जाए, जब ब्लड में H+ का लेवल बढ़ जाए, ठीक है। 43। जी सर। हां, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रेक्शन को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के बीच में है, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इनके कॉन्ट्रेक्शन से जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, और इससे थोरेसिस कैविटी जो है उसका वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रली बढ़ जाएगा, और इससे फिर पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ता है, जिससे एयर बाहर से अंदर इजिली आ जाती है, क्योंकि अंदर एयर प्रेशर घट जाता है, घट जाता है। तो इस ऐसे ही से रिलेटेड हम लोग यहाँ देख लेते हैं, एलिवेशन ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी इन डोर्सो वेंट्रली एक्सिस, सही है, यही चला जाएगा, यही चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। और देखेंगे आप एक बार देख लेते हैं, एलिवेशन ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिस कैविटी इन एंटेरोपोस्टीरियर, नो नहीं, ये डायफ्राम वाला, ये डायफ्राम के रिस्पेक्ट में आ जाएगा भैया, डिप्रेशन ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम, ये तो बोल दिया, एक्सपायरेशन में आ जाएगा, डिप्रेशन ऑफ रिब्स, दोनों ही नहीं लेंगे, डिप्रेशन ही, दोनों में डिप्रेशन आ गया, तो बटर फर्स्ट चला जाएगा जी। नेक्स्ट 44 हो जाएगा, which of the following statement is correct, the contraction of the internal intercostal muscle IICM कहा जाता है इसको, lift up the ribs, no, ये तो और अंदर लेकर जाती है, forceful exhalation के और voice sneezing के दौरान, खांसने के दौरान, बिल्कुल ठीक है। द आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओनली CO2 भी करता है ना, CO2 भी करता है भैया, 20-25%, बिल्कुल ठीक बात है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, तो आरबीसी जो है वो CO2 भी ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। The thoracic cavity is anatomically airtight chamber. बहुत बार बात कर ली और यही करेक्ट हो जाएगा। Healthy man can inspire approximately 500 ml per minute, नहीं per breath. Per breath हो जाएगा। और अगर मिनट निकाले तो मिनट का मतलब 500 को गुणा कर दो, मिनिमम ब्रेथ कितनी 12 या 16, तो 6000 से 8000 हो जाएगा। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कह सकते हैं, हाँ इसको मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी कहा जाता है। 45। जी सर। Inspiration occur when there is a negative pressure in lungs, okay? With respect to atmospheric pressure, कि अंदर negative pressure हो, मतलब अंदर pressure कम हो और बाहर pressure ज्यादा हो, तो this negative pressure इसके कारण है ना, हाँ हाँ। तो ये कब होगा, जब diaphragm में contraction हो, okay, वो dome सबसे flat हो जाए, और anterior posterior axis में volume बढ़ जाए, और external intercostal muscle में contraction होने से dorsoventrally volume बढ़ जाए, lifting of ribs हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure, सही बिल्कुल यही चला जाएगा, और आपने जो पूछा भी क्या है, ये बात तो कुछ अच्छी होगा, हाँ। तो ये तो ग्रेटर देके गलत कर दिया, इक्वल होगा नहीं बिल्कुल, और इंट्रापल्मोनरी ज्यादा होगा, ये इंट्राप्लूरल ये गलत दे दिया ना, प्लूरल तो वो दो मेम्ब्रेन के बीच वाला, मेम्ब्रेन के बीच वाला हो जाएगा, पल्मोनरी लंग्स के अंदर का, लंग्स के अंदर वाला, ठीक है, तो इंट्राप्लूरल इसकी वजह से गलत, और मोर दे दिया ये भी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 46। A chemosensitive area is situated adjacent to the respiratory rhythm center. ये बात अपन ने जो है वो पहले भी की है, which is highly sensitive to,
और ये हाईली सेंसिटिव किसके लिए होता है, CO2 के लिए और H+ के लिए। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा, NCERT का ही लाइन है, NCERT का स्टेटमेंट है। और ये सेंट्रल भी होते हैं और पेरिफेरल भी होते हैं, ये सेंट्रल पेरिफेरल दोनों कहलाते हैं। ठीक है, आपने 47 जी सर, थोरेसिस चैम्बर इज फॉर्मड ए दिया है बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल, डोर्सल हो जाएगा, इसका मतलब वेंट्रल काट दूं, लेटरल काट दूं, दो ऑप्शन चले गए। एंड बी के लिए दिया है स्टर्नम, तो स्टर्नम वेंट्रल हो जाएगा, तो यहां पर लेटरल दिया है इंद्र सर, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर भी। और आगे दिया है द रिब्स एंड ऑन दी कौन सी साइड, डोम शेप डायफ्राम, वो रिब्स हो जाएंगे। हां, तो लेटरली तो रिब्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है, और लोअर साइड में क्या हो जाएगा, डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा बच्चों, एट द टिश्यू साइड वेयर PCO2 इज हाई, टिश्यू साइड पर हाई होती है, ठीक है, और डिफ्यूजेड इनटू द ब्लड, इसका मतलब CO2 आएगी, तो एक ही जगह आ जाना चाहिए CO2 टू फॉर्म SCO3 माइनस एंड H+, ये रिएक्शन पहले ही आपको बताई थी, H2O प्लस CO2 दोनों मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में अनस्टेबल बना देंगे H2CO3, जो रेडिली टूट जाएगा H+ और SCO3- में। एट द एल्वियोलर साइड वेयर PCO2 इज लो, द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, वो फिर से क्या बना देगी, H2CO2 प्लस H2 जी, इसका मतलब है CO2 और ये चीजें आनी चाहिए, तो एक ही जगह CO2, ये गलत हो गया, यहाँ पर H2CO3 गलत हो गया, NH3 गलत हो गया, तो आंसर ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो है ये 48 क्वेश्चन थे बच्चों आज के लेक्चर के, और इसी प्रकार अगला लेक्चर जो है वो भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है, तो नो डाउट शानदार ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड टोटल ये प्रोग्राम रहेगा, और अगला जो आपको लेक्चर मिलेगा उसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ क्वेश्चन और प्रोवाइड हम करवाएंगे, और इससे बाहर जो है वो मानकर चलें और कोई भी कंसेप्ट नहीं मिलता है, टोटली कवर कर दिया है। आज सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने जो कवर किया वो एक तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और जो कैपेसिटीज आपको बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग हमने बताई है। अगले लेक्चर में आपको जो है वो पर वो पी वैल्यू के बारे में बताएंगे, इनके P50 वैल्यू आज भी अपने लगभग हर चीज कवर कर ली है, बिल्कुल, स्टार्ट से लेके एंड तक डिसऑर्डर भी आ गए, बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जी और बिल्कुल तैयार होके हैं, ओके, यही जो टॉपिक है वो डिस्कस होंगे, चलो ओके, थैंक यू।